तो फाइनली दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि बॉलीवुड के सबसे बड़े एक्शन हीरो सनी देओल की फिल्म गदर 2 सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। दोस्तों इस फिल्म को आज बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक दिन मुकम्मल हो चुका है, तो वहीं ये फिल्म दूसरे दिन के रनिंग में चल रही है। दोस्तों फिल्म गदर 2 को लेकर ऑडियंस के बीच बहुत ही ज्यादा हाइप और क्रेज देखने को मिल रहा है, तो वहीं दोस्तों ऑडियंस की वजह से ऑक्युपेंसी रेट भी फिल्म का ताबड़तोड़ देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिल्म गदर 2 की डे 1 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो वहीं ये फिल्म आज अपने दूसरे दिन कितनी कलेक्शन करने वाली है, और दोस्तों साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट होने के लिए और कितनी कलेक्शन करनी होगी। और अगर दोस्तों आप लोग भी सनी देओल के जबरा फैन हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। दोस्तों मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि इस फिल्म का 22 साल बाद सीक्वल रिलीज़ होगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों जब इस फिल्म का टीज़र और ट्रेलर रिलीज़ किया गया तो दोस्तों फिल्म को लेकर ऑडियंस के बीच बहुत ही ज़्यादा हाइप और क्रेज़ देखने को मिला। दोस्तों फिल्म को जितने स्क्रीन्स मिलने चाहिए थे उतने स्क्रीन्स नहीं मिल पाए थे, क्योंकि गदर 2 का क्लैश अक्षय कुमार सर की फिल्म OMG 2 के साथ था, जिसकी वजह से स्क्रीन्स इक्वली बट गई थी। लेकिन इसके बावजूद फिल्म गदर 2 ताबड़तोड़ कलेक्शन करने में कामयाब रही और अपने पहले ही दिन तमाम बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया। दोस्तों इस फिल्म में हमें सनी देओल के साथ अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा अहम किरदारों में नज़र आए हैं, और दोस्तों इन सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंस हमें एडवांस लेवल की देखने को मिलती है। दोस्तों इस फिल्म को ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों की तरफ से पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हैं, जिनके चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस के ऊपर ताबड़तोड़ कलेक्शन करते हुए नज़र आ रही है। दोस्तों फिल्म का बजट लगभग 60 करोड़ रुपये का है, और दोस्तों इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट होने के लिए लगभग 100 करोड़ रुपये की कलेक्शन करनी होगी। लेकिन दोस्तों आप लोगों को बताता चलूँ कि ये फिल्म अपने पहले 2 दिनों की कलेक्शन के साथ ही बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक सुपर ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हो चुकी है। दोस्तों आप लोगों को बताता चलूँ कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडियन नेट कलेक्शन लगभग 44 करोड़ 50 लाख रुपए के अराउंड कर दिखाया, जो कि समझिए तो एक ज़बरदस्त शुरुआत थी। और अगर मैं बताऊं आप लोगों को वर्ल्ड वाइड फिल्म ने कितने कमाए, तो दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन वर्ल्ड वाइड से लगभग 58 करोड़ रुपए की कलेक्शन कर दिखाई, जो कि समझिए तो दोस्तों एक रिकॉर्ड तोड़ कमाई थी। अब अगर दोस्तों मैं बात करूं फिल्म के आज के यानी कि दोस्तों आज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों फिल्म की आज भी बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो वहीं ये फिल्म आज भी बॉक्स ऑफिस के ऊपर लगभग 50 करोड़ रुपए के अराउंड नेट कमाई करते हुए नज़र आ रही है, तो वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड लगभग 70 करोड़ रुपये के अराउंड हमें कलेक्शन करते हुए दिखाई दे सकती है। यानी कि अपने पहले 2 दिनों का टोटल इंडियन नेट कलेक्शन लगभग 94 करोड़ 50 लाख रुपये के अराउंड देखने को मिल सकता है, तो वहीं वर्ल्ड वाइड टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 128 करोड़ के अराउंड देखने को मिल सकता है। लेकिन अब दोस्तों देखना यह है कि फिल्म आज सैटरडे और कल के दिन दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर क्या बवाल मचाने वाली है। और दोस्तों लग रहा है कि यह फिल्म आराम से 400 से 500 करोड़ रुपए तक के आंकड़े को पार कर सकती है और तमाम बड़ी बड़ी मूवीज के रिकॉर्ड्स तोड़कर एक बड़ी कामयाबी हासिल कर सकती है। लेकिन दोस्तों क्या आप लोगों ने भी गदर 2 देख ली है? आप लोगों को यह मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और गाइस अगर आप लोग भी ऐसी ही हॉलीवुड बॉलीवुड और साउथ मूवीज की अपडेट्स जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।